देख रहे हो ऊपर, अब ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएंगे हम लोग। अभी 120 चल गया है, ख़त्म नहीं हुआ। एंड देख रहे हो बाइकर सबको, सब काठमांडू जाने के लिए। देखो चेक मारो क्या व्यू है यार, क्या मस्त व्यू है। चेक मारो गाइस, लाइक कर दो इसी बात पे। सामने देखो, देख रहे हो रास्ता कितना क्लीन है। एंड माइलेज काफ़ी मस्त दे रहा है, गाड़ी चल चुका है 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर। तो रुकेगा फिर पता चलेगा, अभी तो गाड़ी चल ही रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है। एंड काफ़ी देर हो गया, कैमरा ऑन है तो बंद कर देते हैं क्योंकि गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे रोकते हैं थोड़ी देर 100। हेलो नमस्ते, वेलकम, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFS ब्लॉग। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं काठमांडू के लिए आज, और अभी टाइम हो रहा है 8:02, तो 8 बजे निकल गए। और देखते हैं, एक बैग मेरे पास एक्स्ट्रा है ब्लैंकेट वाला, तो हाइस है कोई तो डाल देते हैं। हमको लगा चले जाएगा तो सीधा रूम पे चले जाते लेके, नहीं तो कल ही डाल देते। हमको लगा था कि बाइक पे चला जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है वसीम को पीछे बैठने में, तो देखते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बस। तो आज के लिए बस बाय बाय लहान, मिलते हैं कुछ दिन के बाद। तो गोल चक्कर घुमाना पड़ेगा, नहीं इधर ही से डाल देते हैं, यहाँ पे है हाइस। राजे विराज वाला कत्ता जड़ी बूटी, वो एक हाइस मिल गया है, इसी में डाल देते हैं। और राज विराज का हाइस है काठमांडू ली राज विराज। बाइक अपनी कुछ ऐसी लग रही है, ये सामान चला जाएगा फिर टेंशन ख़त्म। गाड़ी निकल गया, वहाँ रहा मेरा सामान, तो सीधा मिलेंगे काठमांडू में। सो मैन जो ब्लैंकेट का था वो चला गया, 200 रुपया चार्ज लेके गया है वो, तो काठमांडू में जाके रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पे है पेट्रोल पंप पे जाते हैं एंड भरते हैं, फिलअप करते हैं। आ गया अभी पेट्रोल पंप पे और डालते हैं इसमें, फुल करते हैं इसको, कितना का जाता है आज। फुल कर दीजिए अभी, तो करते हैं इसमें फुल। लहान से निकल गया, नहीं है पानी पटा रहा है रोड पे, धूल ना उड़े इसीलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह सही सलामत पहुँचा देना। सो फाइनली अपना सफ़र हो गया शुरू। तो अभी अपनी गाड़ी चल चुकी है 11 किलोमीटर 0 माइल क्रॉस की है जल अभी अभी, तो पेट्रोल भी हो गया, 0 माइल क्रॉस हो गया, निकल गया अपने सफ़र में। टाइम 8:30 हो रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे हम लोग। अभी कमला पुल पे आ गए, देख सकते हो, एंड गाड़ी चल चुकी है 40 किलोमीटर एंड टाइम हो गया 9:17। रॉन्ग साइड से बाइक आ रहा है, एंड ये देखो पोरताहा का बोर्ड। लॉकडाउन टाइम में इधर से गांव गए थे हम लोग महुआ, एंड अब आ गए धौंसा ज़िला में। सिरहा ख़त्म, ये धौंसा शुरू हो गया पोरताहा में कमलाबाद। अब वसीम को दे देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, थोड़ा देर हम पीछे बैठते हैं बर्दी बाँस तक, तो उसी में चलाएगा। अब देख रहे हो गाड़ी, सो गोप्रो का बैटरी डाउन हो गया यार, 29% चार्ज है, तो अब पहाड़ का शॉट आएगा बस गोप्रो से। हम लोग
वर्दी बांस में और रेड बुल ली है। अब निकलते हैं यहाँ से, अभी टाइम हो गया 10, सो निकलते हैं। सो 10 बज गया और 73 किलोमीटर चल गए हम लोग एंड अभी पहुँचे हैं वर्दी बांस। तो वर्दी बांस पहुँचे अभी और उल्टा नहीं जा रहा है, थोड़ा सामान लेना था इसीलिए पीछे घूम के जाना पड़ा। एंड अब चढ़ेंगे सीधा पहाड़ 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 और उतरेंगे काठमांडू में। तो चलिए आज का सफ़र अब शुरू होता है अच्छे से, तो मिलते हैं आप लोगों से पहाड़ में, क्योंकि गोप्रो का बैटरी आज पता ना क्या हुआ, ठंडा के वजह से ड्रेन हो गया, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। सो हम लोग का सफ़र शुरू हो गया है और गाड़ी चल चुकी है 118 किलोमीटर चल गया। टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, ठक के 11:00, तो 8 बजे निकले थे, अभी 11 बज रहा है। 8 बजे निकले थे 11 बज रहा है, लेकिन निकलते निकलते लहान से तो 8:30 बज गया था। इससे ओवरटेक करते हैं, सामने से गाड़ी तो नहीं आ रहा है। लगभग लहान से 8:30 बजे निकले थे पेट्रोल वेट्रोल भरा के, और अब चलना है ऊपर, देख रहे हो पहाड़। अब होगी पहाड़ वाली राइड, एक बार रोकेंगे, रेड बुल पियेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि 150 पे रोक देंगे। अभी कितना हो गया है, 120 होने को है, 30 किलोमीटर और चलाते हैं फिर रोकेंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से सीधा फ्रंट कैमरा पे। तो यहाँ पे रोकते हैं थोड़ी देर, 120 किलोमीटर पे रोकते हैं, 150 को गोली मारो, यहीं पे रोकेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। देख रहे हो सारा हाइस सब यहीं पे रुका है। गाड़ी चल चुकी है 119.5 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हो जितना भी बैटरी वाला गाड़ी है, चार्जिंग स्टेशन, तो सबको चार्ज हो रहा है और सब खाना भी खा रहा है, खाना वाना खाएगा, बैटरी चार्ज होगा, उसके बाद निकलेगा ये लोग भी, देख रहे हो। फर्स्ट स्टॉप लिया है हम लोग अभी 119 किलोमीटर पे, अब निकलेंगे कंटिन्यू, कम से कम 80 किलोमीटर चलाएंगे फिर देखते हैं स्टॉप लेंगे। चल गए अब यहाँ से, अब सीधा चढ़ेंगे पहाड़, देख रहे हो ऊपर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड कितना समतोला है यार, 119 पे निकल रहा है। अब देखते हैं कब लेंगे स्टॉप, लगभग 50 तो चलाएंगे। यहाँ से ठक के 150 किलोमीटर है काठमांडू, तो 50-50 का स्टॉप लेंगे इंशाल्लाह, 3 स्टॉप, तीसरा स्टॉप रूम पे जाके लेंगे। चलो देख रहे हो ऊपर, अब ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएंगे हम लोग। बहुत सारा गाड़ी चल रहा है आजकल एंड धूप भी है, ठंडा तो लग ही नहीं रहा है, बहुत एकदम हार्ड धूप है। अभी तक गाड़ी का एक सेल भी ख़त्म नहीं हुआ है पेट्रोल, तो काफ़ी अच्छा माइलेज दे रहा है फ़िलहाल, क्योंकि 90 पे ख़त्म हो जाता था, 90 पे एक सेल ख़त्म हो जाता था जब मैं फुल करता था गाड़ी को, एंड अभी 120 चल गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। एंड देख रहे हो बाइकर सबको, सब काठमांडू जाने के लिए थोड़ा रफ चला रहा है, वो ग्रुप में थोड़ा रफ चला रहा है ये लोग। चलिए, सो पिछली बार भी यहीं पे रोके थे आने के टाइम में और पिए थे रेड बुल, इस बार पीछे रोक दिए, तो थोड़ी देर बस 10 मिनट यहाँ रोकते हैं सुंदली पे और फिर चढ़ते हैं इस पहाड़ को। लोग के सामने से निकला था ये सब R15। सो आई लव सुंदली, ये रहा, आ गए हम लोग कितना बजे, 11:40 में। गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है। सो लास्ट टाइम यहीं पे रुके थे जाने के टाइम में, आई लव सुंदली लिखा है वहाँ पे, देख रहे हो यहीं पे रुके थे, मोबाइल चार्ज हुआ था और बाइक को भी रेस्ट दिया था, तो इस बार भी रुक गए 10 मिनट के लिए रुके थे,
या 12 मिनट हो गया, तो अब मुँह हाथ धो रहा है उसी, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। धूप देख रहे हो कितना है, बहुत ज़्यादा धूप है इधर, बहुत ज़्यादा गाड़ी वहाँ पर। एंड यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, देख रहे हो। सो अब चलते हैं सीधा एंड मिलते हैं आप लोगों से गोप्रो पे। सो अभी हम लोग आ गए खुरकोट एंड गाड़ी चल चुकी है 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 150 किलोमीटर कंप्लीट। एंड ये देखो लहान से निकले थे एंड अपना सामान वो रहा ग्रीन कलर के झोला में, यही हाइस था इसी में डाले थे। गाड़ी को रोकते हैं यहाँ पे, बस नीचे टच ना हो जाए, और देखो नीचे का नदी एंड देखो क्या नदी है। अभी रुके हम लोग खुरकुट में, तो नीचे आए थे तो क्या मस्त नदी चल रहा है। सो गाइस चेक मारो व्यू, क्या मस्त लग रहा है। एंड धुली खेल यहाँ से 75 किलोमीटर, और बहुत ही आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा रोड ही नहीं है जो कि स्पीड चला सके। जहाँ पे सीधा मिलता है वहाँ पे चला लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्पीड। इधर तो सब बंद है, अब हाइस का टाइम ख़त्म हो गया तो बंद कर दिया है। सुबह का हर चीज़ खुला रहता है, क्योंकि सुबह में इधर से क्रॉस हो जाता है सारे हाइस, खाना पीना जो भी नाश्ता वास्ता हो जाता है, विद्यालय इधर आसपास में शायद स्कूल है। देखो चेक मारो क्या व्यू है यार, सामने देखो पहाड़ एंड क्या मस्त कर्व वाली रोड, और अकेले हम, पीछे कोई नहीं है। अभी सामने से दो गाड़ी आ रहा है, ओवरटेक किया है। ये देखो बैटरी वाला को, ये बैटरी वाला तो मानता नहीं है यार, इतना स्पीड चलता है इस रोड में पूछो मत। देख रहे हो रास्ता कितना क्लीन है एंड माइलेज काफ़ी मस्त दे रहा है। गाड़ी चल चुका है 160 किलोमीटर, 64 किलोमीटर टोटल, 164 किलोमीटर एंड एक पोल गया है, दूसरा पोल में चल रहा है अभी, दूसरा पोल अभी तक नहीं गया है तो अच्छा है, रुकेगा फिर पता चलेगा। अभी तो गाड़ी चल ही रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है। एंड काफ़ी देर हो गया कैमरा ऑन है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि बैटरी थोड़ा कम ही है गाड़ी में। तो पीछे में मेरे कार, पीछे में एक कार आ रहा है, वो बहुत हॉर्न दे रहा है एंड देखो स्पीड अपनी, ये आ गया कर्व। ओ माता, गाइज इसका बैटरी लो हो गया, अब वीडियो नहीं आ पाएगा, जितना है उतना में एडजस्ट करो एंड थोड़ा बहुत जो वीडियो होगा मोबाइल से बना लेंगे, वही हाल रख देंगे, क्योंकि 29% पे ठंडी से क्या हुआ पता नहीं इसका बैटरी लो हो गया लहाने में। तो अभी अभी थोड़ा बहुत शॉट लिया है एंड अब नहीं ले रहा है ये। सो मिलते हैं अब सीधा काठमांडू जाके। अपने नाम की सजाए तेरी ले।